अभी जस्ट हाल में मैंने दो वीडियो अपलोड किया कि वही बात के रिगार्डिंग के बहुत ही पेनफुल मोमेंट था, क्योंकि यह दूसरी बार हुआ था जब बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस वॉज द सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम वो 10 साल का पीरियड है और आप इस बीच में इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना मेहनत करते हैं और फिर फाइनली आप सेलेक्टेड नहीं होते हैं, तो दर्दनाक तो है ही। मतलब वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर पेन। फर्स्ट टाइम जब मैंने 2012-13 में जब मैंने दिया था, तो आई गॉट 309 मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन एंड 33 मार्क्स इन इंटरव्यू। माय टोटल मार्क्स वाज 342 एंड कट ऑफ वाज 389, तो आई मिस द फाइनल लिस्ट बाई 47 मार्क्स। 309 नंबर मुझे मेंस में थे, 33 इंटरव्यू में मैंने पाया, टोटल नंबर 342 थे और कट ऑफ 389 था, तो 47 मार्क्स का डिफरेंस था एंड आई मिस द लिस्ट लास्ट टाइम। इस बार मार्क्स अब आ चुका है, मेरा मेंस में 392 है, इंटरव्यू में 42 है और मेरा टोटल मार्क्स 434 है और कट ऑफ 477 है। और इस बार मैंने 43 मार्क्स से मिस कर दिया। पिछले बार 47 मार्क्स से, इस बार 43 मार्क्स। पिछले बार कट ऑफ मेंस का 280 मार्क्स था, इस बार मेंस का कट ऑफ 392 है। तो अब पता नहीं, आपको ऐसा फील होता है कि शायद कई बार कि आपने अपना बेस्ट दिया है, क्योंकि जो मेंस का कट ऑफ है ना, एक्चुअली मेरा ही मार्क्स है 392। मतलब बहुत सारे बच्चों का भी होगा, पर 392 मार्क्स मेंस का कट ऑफ है, मेरा मार्क्स मेंस से 392। तो आपको दुख तो बहुत ज़्यादा हो ही रहा है और कई बार आपको ऐसा फील भी होता है कि शायद आप इससे अच्छा नहीं दे सकते थे, यही आपका बेस्ट था। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि 30-40 मार्क्स और हमको चाहिए, तो 40-50 मार्क्स के लिए मतलब आपको लगता है कि चलिए इंटरव्यू में 10 मार्क्स आप और बढ़ा लेते, तो बचा 40 मार्क्स। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि 40 मार्क्स किस किस पेपर में हम बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको शायद कई बार ये लगता है, पर वो चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा है कि शायद आप ये सोचें कि अगर हर पेपर में हम 10 मार्क्स बढ़ा लें, एक पेपर मेंस का उसमें हमको बस 39 मार्क्स आया, पर वही है, इसको जज कौन करेगा। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप अपना बेस्ट दे दिए और कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद हम 10-10 मार्क्स सब सब्जेक्ट में बढ़ा सकते थे, पर रिजल्टेंट तो यही है कि हम सेलेक्टेड नहीं हुए। दिस बार नॉट द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम 47 मार्क्स है और इस बार 43 मार्क्स है, तो बस कह सकते हैं कि आप 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरा। तो पेनफुल तो है, पर वही जो सच है वही आप लोग से शेयर कर रहे हैं।